गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने बात की थी कि नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं। तो पॉपुलर जो हमने टाइप देखे थे वो थे पी ए एन पैन, एल ए एन लैन, एम ए एन मैन और डब्ल्यू ए एन वैन। ये जो चारों नेटवर्क थे, ये चारों नेटवर्क हमने डिवाइड किए थे अकॉर्डिंग टू एरिया। पैन बहुत छोटा एरिया लेता है, करीबन 10 मीटर, जबकि डब्ल्यू ए एन वैन पूरे वर्ल्ड या ग्लोब को कवर करता है। तो इसकी बेसिस पर हमने कल बात की थी। आज हम लोग ये बात करेंगे कि जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, चाहे कोई भी नेटवर्क हो, चाहे वो लैन हो, मैन हो या वैन हो, तो जब भी हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो हमें कंप्यूटर कनेक्ट करना है। और जब कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट करते हैं, और किस वे से वो कनेक्ट करेंगे, उनका अरेंजमेंट क्या रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। क्लियर है? वापस ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। आज ये टोपोलॉजी के बारे में हम लोग सोचेंगे, इस पर नहीं पढ़ेंगे। तो टोपोलॉजी होती क्या है? तो जब हमने कल बात की थी कि मान लीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है ना, एक और कंप्यूटर है, एक स्कैनर है, एक फलाना डिगड़ा। तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास में ये कंप्यूटर्स हैं, फैक्स भी एक कंप्यूटर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कंप्यूटर हैं उनको किस तरह से अरेंज किया। देखो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ही केबल से सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए गए, जबकि यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ और है। दोनों डायग्राम में अरेंजमेंट कुछ और है। तो ये जो अरेंजमेंट है कंप्यूटर्स का, इसी अरेंजमेंट को या इसी कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। ठीक है? अब कहीं हमारे पास में स्विच और हब भी आ रहा है, कहीं प्रिंटर भी आ रहा है ना, कहीं ये आ रहा है। तो कन्वेंस के लिए हम जितनी भी डिवाइसेस है हमारे नेटवर्क पर, उसको हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है? अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि एक कंप्यूटर है या दो प्रिंटर है या एक फैक्स है या एक स्विच है। हम लोग सिंपली कोई भी, अगर कंप्यूटर है तो भी वो नोड कहलाएगा, प्रिंटर है, स्कैनर है, तो भी वो नोड कहलाएगा। करेक्ट है? ताकि समझने में आसानी हो, बोलने में आसानी हो। तो आज का टॉपिक यही समझाएगा हमें कि नेटवर्क टोपोलॉजी कैसे बनानी है, और दो या दो से अधिक जो नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास में है, उनमें से बेस्ट कौन सी है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे। चलिए, तो ये जो टोपोलॉजीज है, अब देखते हैं कि हमारे पास में कितने टाइप की टोपोलॉजीज होती है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर से हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, तो या तो हम उनको बस की जैसे एक के बाद एक जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपने पहले डायग्राम में देखा, हम उनको रिंग की स्टाइल में जोड़ सकते हैं, गोल में, हम उनको स्टार की स्टाइल में जोड़ सकते हैं, या मैश की स्टाइल में जोड़ सकते हैं, या फिर कोई भी एक स्टाइल ले सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्री या हाइब्रिड। तो हम लोग ये पांचों टोपोलॉजी देखने वाले हैं, पांचों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने वाले हैं। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं बस टोपोलॉजी से, कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, किस तरह से कनेक्ट होती है, कैसे डायग्राम होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। जितने भी इसमें कंटेंट लिखे हुए हैं, तो आप उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज बस टोपोलॉजी। ठीक है? अगर आप लोग नीचे ध्यान से देखें, तो हमारे पास ये सभी चीजें क्या है, नोड। ये सारे नोड एक ही केबल से जुड़े हुए हैं। क्लियर? इस अरेंजमेंट को या इस टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहते हैं। करेक्ट है? ये है वो केबल जिससे सारे नोड जुड़े हुए। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये बस की जैसे है, इसको हम लोग लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि सभी एक ही लाइन में है। करेक्ट है? ये सबसे सिंपल, सबसे इजी और सबसे चीपेस्ट कॉस्ट वाली है। अब बस टोपोलॉजी में हम लोग कैसे बोलते हैं, क्या समझाना है? तो हम लोग कहेंगे कि जितने भी नोड हैं बस टोपोलॉजी में,
वो एक मेन केबल से कनेक्टेड रहते हैं जिसको कहते हैं बैकबोन। क्लियर। अब ये सारे कंप्यूटर इस वाली बैकबोन से जुड़े हुए हैं, ये जो आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, यस ये है हमारी बैकबोन, ये बैकबोन। अब मान लीजिए इस कंप्यूटर को या इस कंप्यूटर को इस प्रिंटर पर कोई प्रिंटिंग का कमांड देना है, तो सबसे पहले ये जो नोड है वो अपना सिग्नल बैकबोन पर डाल देगा। यहाँ से सिग्नल जाएगा, सबसे पहले ये चेक करेगा क्या वो सिग्नल इसके लिए है, नहीं तो ये आगे ट्रेवर्स करेगा, फिर चेक करेगा क्या वो सिग्नल इसके लिए है, नहीं फिर वो आगे ट्रेवर करेगा। तो ये चलता रहता है, तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता। जैसे ही उसको अपना डेस्टिनेशन मिलता है तो वो सिग्नल इस पर चला जाएगा और ये इसको प्रिंट कर देगा, कमांड जो भी इसने कमांड दिया उसको फॉलो कर देगा। तो दो डिवाइसेस बस टोपोलॉजी में आपस में जो कम्युनिकेट करती है वो करती है बैकबोन के थ्रू। ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए यहां से इसने कोई सिग्नल भेजा, कहते हैं इस नोड ने कोई सिग्नल भेजा। अब हम लोग केस की बात करते हैं, उस सिग्नल में कुछ एरर आ गई या वो सिग्नल फॉल्ट था। ठीक है। तो वो सिग्नल ना तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ये एक्सेप्ट करेगा, ना ये एक्सेप्ट करेगा, ना ये एक्सेप्ट, तो वो सिग्नल घूमता रहेगा। जब तक ये सिग्नल घूम रहा है तब तो कोई दूसरा सिग्नल भेज नहीं पाएगा, तो हम ये बड़ी इशू थी। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्मिनेटर, जो बैकबोन होती है उसके एंड में हम लोग यूज़ करते हैं टर्मिनेटर नाम की डिवाइस। ये टर्मिनेटर करते क्या है, वो सारे सिग्नल जो कि यूजलेस है, जो किसी डिवाइस नोड ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं या जिसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, वो टर्मिनेटर उसको एब्जॉर्ब कर कर नेटवर्क से हटा देता है। तो टर्मिनेटर जो है ये हमारे बस को और इम्प्रूव कर देता है। कैसे, जो फॉल्टी मैसेजेस हैं या जो फॉल्टी सिग्नल है या नॉइस वाले सिग्नल है या फिर यूजलेस सिग्नल है जो कि हमारे बैकबोन में ट्रेवल कर रहे थे, उसको हटा देगा। तो ये तो हो गई बस टोपोलॉजी किस तरह से वर्क करती है और आपस में किस तरह से डिवाइसेस या नोड कम्युनिकेट करते हैं। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो हम लोग वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये कब यूज़ करते हैं। क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बस टोपोलॉजी में हमें और क्या मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करेंगे। पहला, ये एक मल्टी पॉइंट है, मतलब बैकबोन केबल पर एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है, इसीलिए इसको मल्टी पॉइंट कहते हैं, है ना। एक और होता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि कोई भी एक केबल पर केवल दो डिवाइस जुड़ी हो, जैसे कि ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है और इनके बीच एक केबल है, तो ये कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, कि इस केबल से दो डिवाइसेस जुड़ी हुई और कुछ नहीं जुड़ा है। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास में एक केबल है, इससे एक डिवाइस जुड़ी हुई है, दो जुड़ी हुई है, तीन जुड़ी हुई है, तो ये डिवाइस या ये जो केबल है या इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो ये बस का कनेक्शन हो गया, तो बस हमेशा मल्टी पॉइंट कनेक्शन होती है। ये सुनो, ये बहुत ईजी है इंस्टॉल करने में, इसमें कोई भी बड़ी इशू नहीं होती। इसके लिए हमें नेटवर्क केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल चाहिए होती है RJ45, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। अब फेलियर ऑफ अ नोड डजेंट इफेक्ट द नेटवर्क, अगर ये नोड फेल भी हो जाता है बस के अंदर तो बाकी वाले पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, ताकि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बैकबोन में कोई फॉल्ट आ जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। करेक्ट है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बैकबोन में कोई या टर्मिनेटर में कोई फॉल्ट ना आ जाए। इसमें फॉल्ट को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। अगर मानो मेरे पास 10 कंप्यूटर है तो वो 10 कंप्यूटर में कहाँ इशू आ रहा है, नेटवर्क में किस केबल पर किस जगह पर आ रहा है, तो
इट विल टेक सम टाइम। अब सबसे बड़ा जो उसका लॉस है वो ये है कि ये ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट डेटा एट अ टाइम। मतलब जब ये डिवाइस इसको मैसेज कर रही है, मैं चलो वापस दिखा देता हूँ कलर चेंज करते हुए। मान लीजिए ये नोड इनको मैसेज भेजना चाहते हैं, तो जब तक ये मैसेज ट्रांसफर हो रहा है तब तक ये डिवाइस अपना बैकबोन पर मैसेज नहीं डाल सकता, आया ना। तो केवल एक ही डिवाइस कम्युनिकेट कर सकता है बैकबोन के समय। जैसे ही ये पूरा ख़त्म होगा इनका ट्रांसफर, देन ये डिवाइस उसे कम्युनिकेट करेगी। क्लियर। तो ये था हमारे पास में ऑल अबाउट बस टोपोलॉजी। हाँ, अब हम लोग इससे बेटर बेटर टोपोलॉजी की बात करते हैं कि उससे बेटर टोपोलॉजी क्या हो सकती है। तो बस से जो कमियां हैं कि बैकबोन केबल पर सब कुछ डिपेंडेंट है, वन वे है, इनको हम लोग दूर कर सकते हैं दूसरी टोपोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। ये है रिंग। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर आप जहाँ से देखें तो सारे कंप्यूटर इस तरह से कनेक्टेड है कि वो एक रिंग की फॉर्म या शेप ले ले। इसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है कि एक केबल केवल दो डिवाइसेस के बीच जुड़ी हुई है, फिर ये वाली केबल इन दो के बीच जुड़ी हुई है, फिर ये वाली केबल इन दो के बीच जुड़ी हुई है। तो ये एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के थ्रू बनाया जाता है। अब फ़ायदा क्या है पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट के अंदर? तो पॉइंट टू पॉइंट वो फास्ट होता है। अगर मान लीजिए एक केबल पर दो ही एंड है तो दोनों डिवाइस आपस में अच्छे से बातचीत कर सकती है फास्ट। अगर एक केबल पर 10 डिवाइस जुड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसका कम्युनिकेशन स्लो होगा। तो इसी वजह से रिंग टोपोलॉजी बस से काफ़ी फास्ट होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब मान लीजिए कि कोई डिवाइस हमारे पास में है, ये जिसको हमने नाम दिया ए। अब ए बी सी और डी। अब मान लीजिए ए डी को कोई मैसेज करना चाहता है, तो वो मैसेज सबसे पहले किसके पास जाएगा? बी के पास। ये बी है और ये सी है। फिर वो मैसेज जाएगा सी के पास, फिर वो होते हुए जाएगा डी के पास। तो सिग्नल इस तरह से ट्रेवर्स करता है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टाइम तो लेता है, लेकिन बस से तो फास्ट है। तो इसकी यही कमी है कि ये सिग्नल सारे कंप्यूटर पर भेजता है जिनको नहीं चाहिए। जैसे ए ने बी को भेजना चाहता है तो फिर भी ये बी और सी के पास जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये फास्ट है लेकिन इतनी भी फास्ट नहीं है। तो जो इसके बाद में जो उसके अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टार और मैस, वो इससे भी ज़्यादा फास्ट है। तो अभी तक हमें उतनी स्पीड नहीं मिल पाएगी जितनी हमें किसी और में मिलती है, लेकिन बस से तो ये बेटर है। अब होता ही है कि जब सिग्नल इतनी जगह जाता है तो सिग्नल अपनी पावर लॉस कर देता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे डिवाइसेस पर रिपीटर लगाते हैं। रिपीटर एक डिवाइस है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। रिपीटर करता क्या है, यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है या रिपीटर होगा, वो रिपीटर उस सिग्नल को डिजेनरेट कर देगा। अगर वो उसका नहीं है तो आगे ट्रांसमिट कर देगा। फिर यहाँ पर भी रिपीटर है, अगर वो सिग्नल का है तो उसको इसको मिल जाएगा, अदरवाइज उसको रिजनरेट कर आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो इस तरह से हर डिवाइस के पास एक रिपीटर से इनकॉर्पोरेटेशन रहता है। और वो ये जो रिपीटर है वो सिग्नल को, जो सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर जो डिस्ट्रक्शन आ जाता है तो उसको रिमूव कर कर वापस रिजनरेट करता है। अब लोग हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये तो रिंग के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि रिंग में क्या खास बातें हैं। तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये इजी टू इंस्टॉल है, बिल्कुल ही बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है बस से। हाँ, इसमें ऐड और रिमूव करना किसी भी दो डिवाइसेस को बहुत मुश्किल है। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए एक डिवाइस दो तीन और चार, ये चारों कैसे जुड़ी हुई है? रिंग में। यस, ये रिंग में जुड़ी हुई है। मान लीजिए मुझे इसको हटाना है तो मुझे ये भी केबल चेंज करनी पड़ रही है और ये भी केबल चेंज करनी पड़ रही है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है हटाना और ऐड करना। ठीक है, हाँ ये बस से काफ़ी फास्टर है।
अगर मान लेते कि इस डिवाइस में कोई फॉल्ट आ गया है, किसी वजह से ये डिवाइस काम नहीं कर रही, तो अगर वो मैसेज यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है ना, तो वो इस डिवाइस के थ्रू ही होकर जाएगा, है ना। तो अगर ये फॉल्ट ही है तो मैसेज नहीं जा पाएगा, आगे तक ट्रेवर्स नहीं कर पाएगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अभी तक हमने पढ़ा बस और रिंग टोपोलॉजी, दोनों के एडवांटेज, दोनों के आर्किटेक्चर्स, दोनों की प्रॉपर्टीज हमने देखी है। कल हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो इससे बेहतर टोपोलॉजीज अवेलेबल है ना, उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।